हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सभ्या। आपका मेरे चैनल कुक विद सभ्या में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको 15 से 20 मिनट में आज कटहल की सब्जी बना के दिखाऊंगी, जो सब्जी आप रोज की तरह खा सकते हैं, बिल्कुल लाइट सामग्री में, जिसमें कि एकदम कम तेल मसाला होगा, क्योंकि हम कटहल की सब्जी बनाते हैं पर बहुत ज्यादा तेल मसाला लगता है, जो कि हम रोज नहीं खा सकते। और ये आप डेली यूज की तरह, रोज की तरह खा सकते हैं इस सब्जी को। और आप खा के बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में जा करके कि आपको कैसा लगा। अगर आप बोलेंगे मसालादार सब्जी बना के दिखाने के लिए, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। चलिए फ्रेंड, तो जो जो सामान चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए कि हम इसको कैसे बनाते हैं। बिल्कुल सरल तरीके से सब्जी बनेगी और बहुत कम समय में बनेगी। आप खा के देखिएगा, बिल्कुल रोज की तरह की सब्जी की तरह ही बनेगी ये। ये सिर्फ मैंने आधा किलो कटहल लिया है। ये हमारे बागीचे का कटहल का सब्जी है, मतलब कटहल है ये हमारे बागीचे का है, तो इसको हमने आधा किलो लिया है। अगर आपके पास अगर छोटा कटहल ना मिले तो आप बाजार से बड़ा कटहल का भी बना सकते हैं, पर छोटे वाले कटहल की सब्जी टेस्टी लगती है, जो कटहल छोटा होता है। तो फ्रेंड्स, ये हम आधा किलो कटहल लिए हैं बनाने के लिए। और ये देखिए, एक प्याज लिया है हमने रोज की सब्जी की तरह बनाने के लिए, दो टमाटर लिया है, और ये धनिया पत्ती का जो पीछे वाला जड़ होता है ना, उसको निकाल के उसकी ये बारीक बारीक कोमल डंठल है, जो कि ये मसाले के साथ पीस जाएगी और आपको फिर धनिया पाउडर नहीं डालना होगा, और इसका स्वाद एकदम अलग सा आता है। ये हमने 10 कली लहसुन लिया है, 2 हरी मिर्च लिया है, थोड़ी सी अदरक ली है, थोड़ा सा जीरा लिया है। ये सबको मिला करके हम पेस्ट तैयार करेंगे मिक्सी में। और ये सजाने के लिए धनिया पत्ती है कटा हुआ, ऊपर से जब बन जाएगी सब्जी। और ये बघार के लिए देखिए, थोड़ी सी जीरा है, एक तेजपत्ता है, एक छोटी इलायची है और 2-3 लौंग है बस। इसके द्वारा हम बनाएंगे, आपको सब्जी बना के मैं दिखाती हूँ। ये हमने कुकर चढ़ा लिया है, हम आपको कुकर में बनाना दिखाएंगे सब्जी, जो 15-20 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये हमने कुकर चढ़ा लिया है छोटे वाले गैस पे। ये हमने सिर्फ 1 चम्मच तेल डाला है। कुछ लोग मसालेदार सब्जी पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगी ये कटहल की सब्जी। सिर्फ हमने 1 चम्मच तेल डाला है। मैंने बघार डाल दिया है, अब ये थोड़ा लाल हो जाएगा तो फिर हम इसमें कटहल को डाल देंगे। और हल्का कटहल भूजेगा 5 मिनट, उसके बाद तुरंत मसाले को ऐड करके साथ में भूजेंगे। अब भूजने के बाद ही हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जो हल्का लटपटेदार होगा, फिर उतारेंगे। अब इसे हम एक जार में डाल रहे हैं और हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। अब हम कटहल को डालेंगे। अब कटहल को हम इसे थोड़ा चला लेंगे और अब हम इसको 5 मिनट तक ढक के रखेंगे, ताकि हमने पेस्ट को मसाले को ग्राइंड कर लिया है। देखिए, हमारा ये 5 मिनट फ्राई हो गया कटहल। ये हमने मार्केट वाला मसाला, जो एवरेस्ट का चिकन मसाला आता है, उसको सिर्फ 1/2 चम्मच यूज करेंगे, डालेंगे 1 चम्मच हल्दी डालेंगे हम। एक चम्मच नमक डालेंगे, छोटा चम्मच नमक, आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, हमने 1 चम्मच डाला है। ये हमने पीसे हुए पेस्ट को डाल दिया फ्रेंड। हमने मसाले में सिर्फ 1 चम्मच, 5 चम्मच हमने मसाले में सिर्फ वो चिकन मसाला डाला है, जो मार्केट का एवरेस्ट का आता है बस। और सिर्फ हल्दी डाली है छोटा चम्मच, और पीसे हुए में धनिया का पत्ती जो था हमारा, जो नीचे का था डंठल, प्याज लहसुन और अदरक और वो टमाटर का पेस्ट्री डाला है। मसाला में कुछ भी यूज नहीं किया है, बस हल्दी और 1/2 चम्मच गर्म मसाला डाला है हमने इसको। अभी हमने इसे ढक दिया है। अब ये मसाला कटहल के साथ ही भूजेगा 5 से 7 मिनट। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और सीटी लगा देंगे। 2 सीटी में कटहल हमारा रेडी हो जाएगा। अब हमने गैस को हमने तेज कर दिया है, क्योंकि अब हमारा ये मसाला भुन गया है, इसमें सुगंध आने लगी है, भुन गया है। और हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको बंद कर देंगे और 10 मिनट बाद उतार देंगे। जैसे ही 2 सीटी होगा, हम इसको उतार देंगे और ये 2 सीटी में कटहल की सब्जी हमारी पक जाएगी। हमारी कटहल की सब्जी बिल्कुल